हेलो बच्चों, आज के जो मैं विषय लेकर आपके सामने आया हूँ वो है अंतिम बनो। अंतिम बनो ये विषय बड़ा ही विशेष और डिफरेंट लगता है मुझे, क्योंकि अंतिम बनो तो कभी सुना नहीं जाता। हमेशा हम ये सुनते हैं कि प्रथम बनो, अपनी कक्षा में फर्स्ट आओ, आप जिस बिजनेस में हो, जहाँ भी आप कुछ काम कर रहे हो उसमें सबसे आगे होने की कोशिश करो। लेकिन मैं आज एक विषय लेकर आया हूँ आपके सामने और मैं कह रहा हूँ कि अंतिम बनो। तर्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तर्क अगर मैं शिक्षण जगत की बात करता हूँ तो बच्चों को, उनके माता पिता, उनके शिक्षक, कोई भी हो, हमेशा यही चाहेगा कि मेरा बच्चा सबसे आगे रहे। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो वहाँ भी हम सबसे पहले चाहेंगे कि मेरी टीम जीते, या मैं कहीं रेस लगा रहा हूँ तो मैं ही फर्स्ट आऊँ। लेकिन अगर मैं अस्तित्व की बात करता हूँ, टिके रहने की बात करता हूँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि अंतिम रहो, अंतिम बनकर रहो, अंतिम बनो। तो इस विषय को लेकर मैं बात बढ़ाना चाहता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत जाने पहचाने गुरुजी थे और वे अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में जा रहे थे, और उस जंगल में जो है बढ़ई पेड़ों को काट रहे थे। लेकिन एक पेड़ जो है उस जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ था। सभी पेड़ लगभग कट चुके थे, पूरा जंगल वीरान हो चुका था, लेकिन उस पेड़ को नहीं काटा गया था। तो गुरुजी ने जो अपने चेले थे, जो शिष्य थे, उन्हें भेजा कि उन बढ़ई से पूछ के ये आओ कि भाई इस पेड़ को क्यों छोड़ दिया आपने, जब आपने सारे जंगल को ही काट दिया है तो इसे ही क्यों छोड़ दिया है। तो जो उनके शिष्य थे वो उस बढ़ई के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इस पेड़ को छोड़ने का क्या कारण है। तो बढ़ई का जो उत्तर था वो कुछ इस तरह से था कि ये पेड़ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, दूसरा इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और शाखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, इन टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता। कोई हम एक लंबा सा लकड़ी का जो लोग बोलते हैं वो नहीं निकाल सकते, कोई फर्नीचर नहीं बना सकते। फिर दूसरा इसके हर शाखा में बहुत सारी गांठें हैं तो वो किसी तरह से उपयोग में नहीं ला जा सकती। जब हम इसकी लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हमारी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सब उसने कारण बताए कि इसे काटने का कोई फायदा नहीं है और इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। शिष्य ये बात सुनकर जो है वापस गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी को बताते हैं। तो गुरुजी अपने मन मन में ही मुस्कुराते हैं और सोचते हैं या कहते हैं कि अंतिम बनो, पहले ना बनो, अंतिम बनो। क्योंकि यहाँ लड़ाई अस्तित्व की थी। जो बिल्कुल सीधा पेड़ था, सीधा सपाट, वो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो उसे तो सबसे पहले काटा गया हो, लेकिन जो पेड़ बहुत ज़्यादा विशाल है, गठीला है, पेचीदा है, मुश्किल है, किसी के उपयोग में नहीं आने वाला, वो अपना अस्तित्व आज भी बनाए रखा है उसने अपना, उसे कोई काटने को तैयार नहीं है। तो गुरुजी ने यहाँ ये कहा अपने शिष्यों को कि बच्चों विशाल बनो, छायादार बनो, दूसरों को छाया दो, दूसरों को फल दो, लेकिन इतने विशाल बनो कि कोई भी दूसरा आपका अहित ना कर सके। सहज रहो और अपनी विशालता का आनंद लो। अपनी बात को दूसरों पे मनवाने की कोशिश ना करो, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का प्रयास ना करो। सहज रहो, सरल रहो, और जो भी आपके पास उपलब्धि है, आपके पास अगर दो शब्द हैं या कुछ भी एक ऐसी कला है जो आपके पास है, तो आप उसका प्रदर्शन करो दूसरों के लिए, ताकि दूसरे भी आपको देख सकें, समझ सकें कि आपके क्या विचार हैं और कैसे विचार हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि हर जगह तो बच्चा फर्स्ट यानी कि प्रथम आने का प्रयास करता है, लेकिन जब अस्तित्व और वजूद की लड़ाई हो तो अंतिम बनना सीखो। टू बी द लास्ट इज द परफेक्शन इन द केस ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।